हमेशा से मेरी इच्छा थी इससे ज़्यादा बनाने की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे करना है, कौन सा पेंट यूज़ करना है, कैसे यूज़ करते थे। बाबा को लोग जाने नहीं जाने, लेकिन उनको इतना मालूम था सब लोगों को कि ये व्यक्ति ने श्री राधा नाम, श्री कृष्ण नाम पूरे ब्रज में लिखा हुआ है। क्या तो भैया ये वैसे आपको कुछ आइडिया है कितने श्री राधा नाम बना चुके हो? ये बिल्कुल आइडिया है। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका फिर से मेरी इस नई वीडियो पे। तो जैसे कि आपको पता है, मैं पिछले 25 दिनों से मैं गोवर्धन में रह रहा था, और अभी लास्ट के 5 दिन कुछ बचे हैं भीष्म पंचक के, और अभी मैं वृंदावन धाम में आ चुका हूँ। और सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर 20,000 सब्सक्राइबर। और तो मेरा बहुत इच्छा थी श्री राधा नाम सेवा की, और मैं सोच रहा था आपको एक बंदे से मिलवाऊँ जो बहुत स्पेशल है इस चीज़ में। तो चलिए, हमारे राधे श्याम भैया। राधे राधे सबको। तो भैया राधे राधे। राधे राधे अर्जुन भैया, कैसे हो? बस भैया बहुत बढ़िया। आपसे इतनी बात करी, मैसेजों पे भैया सेवा के लिए बुलाओ बुलाओ, तो फाइनली मिल रहे हैं हम। आज आ गया वो दिन, आ गया। तो आज हम भैया के साथ सेवा करेंगे, बट उससे पहले जानेंगे भैया ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, ये श्री राधा नाम सेवा। देखिए, इसमें कोई भी सेवा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गुरुजनों का भैया बताना बहुत आवश्यक है कि यहाँ पे ये प्रारंभ कैसे हुई ये सेवा। तो पहले कीर्तनीय बाबा नाम से एक व्यक्ति थे, बड़े सिद्ध पुरुष संत महात्मा, और उनका लाइक ऑफिशियल नाम अगर कहें तो उनका नाम था श्री श्री राधा सर्वेश्वर दास बाबा जी महाराज। तो जब वो अपने अंतकाल में थे तभी उनने संन्यास लिया था, वरना उससे पहले वो मतलब अपने साधु वेश में ही रहते थे हमेशा। तो वो आए थे यहाँ पर लगभग लाइक 1950s 1960s में इस समय आए थे वो। और उस समय वो बताते थे कि भाई वृंदावन धाम में एक भी जगह कोई नाम नहीं था, लाइक बिल्कुल एम्प्टी था, लाइक जंगल जैसा था पूरा, हर जगह बजरा जय, पेड़ पौधे, लेकिन कहीं भी नाम नहीं लिखा जैसे राधे राधे या राधा कृष्ण श्री राधा जय राधे जय निताई जय गौर, कुछ नहीं लिखा था यहाँ पे। सिंपल कहीं पे लाइक पोस्टर लगा हुआ एड का कि संस्कृत छात्रवास ऐसे के, और उनको उनके अंदर से इधर से इच्छा आई कि नहीं, यहाँ पे वृंदावन धाम है, श्री जी का धाम है, यहाँ पे राधा नाम हर जगह होना चाहिए। तो फिर उनने कठोर तपस्या करी, लगभग 10 साल तक कठोर तपस्या करी, और उसी तपस्या में उनने एक स्पेशल फॉन्ट तैयार किया श्री राधा का, जो कि मैं एज इट इज़ यूज़ करता हूँ उनका फॉन्ट। आप कहीं भी देखोगे अलग अलग जगह, कोई कर्सिव यूज़ करता है, कोई कैलीग्राफिक टाइप का यूज़ करता है, लेकिन मैं एक बस एक ही स्टाइल यूज़ करता हूँ फॉन्ट की, कहीं भी आप देखोगे। तो वो बाबा ने क्रिएट किया था। तो वो बाबा इतने लाइक हम्बल थे, और उनका नाम कीर्तनीय बाबा क्यों था, क्योंकि पूरे वृंदावन में सबसे गजब कीर्तन करते थे वही लोग। दूर दूर से हरिव्यास कुंज में यहीं पे कृष्ण वल्लम पेड़ के पास उनका आश्रम है, वहाँ पे जाते थे सुनने के लिए, और जब भी कभी वो नगर संकीर्तन निकालते थे सब लोग पीछे बिल्कुल ऐसे जुलूस था जाता था उनके पीछे कि अरे बाबा वाह कितना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं। ओरिजिनली वो लाइक बंगाल और आसाम के उस एरिया से थे, और वहाँ पे जब उनको इच्छा हुई कि अरे मुझे भजन करना है, पारिवारिक सारी इच्छाएं खत्म हो गई उनकी, मुझे परिवार मिल गया, मैं ये वो, और धाम में आ गए, फिर धाम में भजन करने लगे। और फिर उन्होंने जब से सेवा स्टार्ट करी तब से ये जो श्री राधा आप ओरिजिनल देखते हैं, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, येलो, रेड कलर का विद फ्लावर्स और फिर फूल पत्तियां लगी हुई वहाँ पे, ये ट्रेडमार्क बन गया वृंदावन का, लाइक लोगो वृंदावन। फिर मैं कैसे आया वहाँ पे वो मेरा हमेशा से अट्रैक्शन था, ये मेरे हमेशा क्यूरियोसिटी थी ये बनाता कौन है, ये यहाँ पे जब भी मैं देखता हूँ ये खाली दीवार है, एक दो हफ्ते बाद देखा वहाँ पे, अरे इतना सुंदर सा श्री राधा बना हुआ है, बोला अरे मुझे देखना बना कौन रहा ये। और फिर एक दिन भगवान की कृपा से सुबह सुबह एकादशी का समय था, और ये मालूम नहीं कौन सी एकादशी थी, लेकिन सुबह परिक्रमा लगा रहे थे 4-5 बजे, वहाँ पे बाबा सुबह सुबह पेंटिंग करते हुए मिल गए। मैंने भाई ये तुरंत पकड़ लिया, बाबा मुझे भी करना है सेवा, मुझे भी बता। उनने साफ मना कर दिया, बोले नहीं, बोला क्यों बाबा, बोल रहे मेरा एक अलग मूड है, सब लोगों का अलग मूड है, और ये सेवा परफेक्टली होनी चाहिए, अगर आप में ड्राइंग स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप करो ही मत बिल्कुल। बोले श्री जी लाइक ब्यूटी पर्सोनिफाइड है, लाइक उनसे सुंदर कोई है नहीं, मतलब अगर सुंदर शब्द है तो वो उन्हीं की वजह से शब्द सुंदर है। तो अगर आपको पेंटिंग करना है तो परफेक्टली करना है, वरना छूना ही नहीं है ब्रश आपको, तो पहले आप अच्छे से सीखो,
फिर मेरे आसपास रहो, मैं देखूंगा आप अच्छा बना रहे हो तब मैं आपको दूंगा। मतलब बाबा कुछ भी दे दो मुझे, कुछ भी दे दो। तो बोले चल ठीक है, ये पेंट का डब्बा होल्ड कर। तो मैं फिर काफी समय तक पेंट का डब्बा होल्ड करता था, देखता था उन्हें, बस वो वाह बाबा कितना सुंदर बना रहे। तो मैं देखता था शुरू में वो स्टेंसिल यूज करते थे, क्योंकि जब उन्होंने बनाया था तो कई बार लाइक थोड़ा चेंज आता था 19-20 का, तो उसको ना होने के लिए उन्होंने स्टेंसिल बना के रखा था, स्टेंसिल से बनाते थे। फिर धीरे धीरे उनकी इतनी प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि वो एमए थे आर्ट्स में, वो उनने फिर अपने हाथ में लिया है। तो भैया वो इतना जल्दी जल्दी करते थे, एक दिन में कम से कम 30-50 सर्कल्स बना देते थे वो एक दिन में। हाँ, तो उनका क्या स्टेप रहता था, फर्स्ट डे में लाइक डे वन में सिर्फ पीला सर्कल रहेगा, जैसे थ्री मेन रिंग्स रहती हैं, तो पीला सर्कल एक दिन कम से कम 50 पीले सर्कल बना दिए पूरे परिक्रमा मार्ग में उन्होंने। फिर अगले दिन लाइट ब्लू वाला सर्कल पूरे 50 बना दिए, फिर तीसरे दिन फिर डार्क ब्लू वाला, और फिर चौथे दिन में पूरे श्री राधा बनाए, और फिर पाँचवें दिन में जो भी नक्काशी उन्हें। और उनने शुरू में क्या था, शुरू में हर चीज़ हैंड पेंट करते थे, तो बहुत डिटेल रहता था। फिर बाद में कोई लाइक आर्टिस्टिक कोई मतलब बुजुर्ग इंसान ने बोला कि बाबा आप ऐसे क्यों करते, इसमें आपको समय लगेगा, आपको अगर पूरा वृंदावन कवर करना है, आपने अगर यू नो प्रत लेके रखा है, तो आप कुछ छापा सा कुछ छापने का कुछ बना दो। बोला ठीक है, कैसे बनाते हैं बताओ यार हमें। तो उसने क्या किया, फोम लिया, फोम में लाइक एक डिज़ाइन बना दिया जैसे फूल पत्ती का या कुछ का, और फिर बाद में सुई से लेके गर्म सुई से लेके मोमबत्ती में बाकी फोम पिघला दिया और पूरा नीचे से निकाल के, तो जितना जितना छापने के चाहिए वो आगे उठा हुआ है, बाकी सब नीचे की तरफ है, और वो उसमें पेंट लगाया, एक बार छापा बस हो गया खत्म। और उससे बाबा का स्टेमिना 50-100 हो गया। इतनी स्पीड बढ़ गई फिर। और फिर तो सबको मालूम ही है कि जैसे जैसे श्रद्धालु लोग आते गए वृंदावन धाम में, वो बढ़ता ही गया और खत्म। और बाबा इतने फेमस हो गए, सब लोग ढूंढते थे कि है कौन बाबा, बाबा से मिलना हमें, मिलना है। कीर्तन बस लोग जानते थे, कीर्तन है आधे तो लोग जानते नहीं थे कि यही बाबा हैं। अब एक बड़ी दुखद घटना भी हुई बाबा के संग, कि बाबा ये लाइक उस जमाने में लोग सब पसंद करते हैं राधा नाम, बट कुछ ऐसे भी थे जो बाहर के लोग आके यहाँ पर रहने लगे और उनको महत्व नहीं मानो श्री राधा रानी जी के नाम का, तो वो क्या करते थे, बाबा को धक्का दे देते थे, ए हमारी दीवार पर क्यों मना रहा है। और कई बार मैंने देखा जब मैं पेंट पकड़ रखा है, कोई अंदर से आया मकान मालिक, उसने धक्का दे दिया बाबा नाली में गिर गए। मुझे तो इतना गुस्सा है कि चप्पल उठा के मारूं, एक क्या बिल्कुल साधु, इतना साधु है, इतना कम से कम हजारों लाखों से भी ज्यादा नाम लिख चुके हैं वो, और तुम ऐसे मतलब उनका वो कर रहे हो, कर रहा वैष्णव अपराध है, कर रहा वैष्णव अपराध, मतलब कोई भी माफ नहीं करेगा, इतना ठाकुर जी श्री जी इतना नाराज हो जाएंगी वो एक्ट देख के। तो फिर बाबा ने बोला देखो ठाकुर जी हमेशा कुछ ना कुछ टेस्ट लेते रहते हैं, अब ये नहीं कि मैं रिएक्ट करूँ लड़ने लगे हूँ, अरे मुझे क्यों नहीं बनाने दे रहे हो, हम सिंपली है हमली ले लो, हो गया चलो कोई बात नहीं, कुछ परीक्षा होगी श्री जी की। लेकिन फिर क्या करते थे वो, रात में करने लगे वो। रात के 12 बजे पेंटिंग करने लगे, सबके घर के बगल में चौखटों में दीवार में पेंट में पिलर्स में गेट में सब जगह बनाने लग गए। और फिर धीरे धीरे क्या किया बाबा ने, जब उन्हें लगा कि हाँ ये थोड़ा ठीक से कर रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है मैं आउटलाइन बना दूंगा, तुम बीच में पेंट कर दो। ठीक है बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाबा बहुत बुजुर्ग होने लगे, उनकी हेल्थ बड़ी ख़राब होने लगी। फिर समय आया कि भाई उनका गोलोकवास ऑलमोस्ट जाने का समय हो गया, तो वो फिर उनने लगभग 2016 में बिल्कुल फिनिश कर दिया था, क्योंकि शरीर इतना कमज़ोर हो गया था उनका, उन्हें बिल्कुल बंद कर दी सेवा। फिर उन्होंने अपने डिसाइपलों को बोला जो उनके आश्रम में थे, तो वहाँ पे एक नेपाली बाबा रहते थे हरिशरण जी महाराज, अब वो मतलब लाइक मेन बंदे एक तरह से उस आश्रम के, तो वो करने लगे और दो तीन और उनके भी शिष्य करने लगे। लेकिन फिर बाद में लाइक थोड़ा सा चेंज आ गया वहाँ पे एक लाइक फॉन्ट स्टाइल में और हाइड लाइटिंग में, तो बाबा ने उन्हें बोला कि जैसा मैं करता था वैसे ही करो। तो सबने प्रयास किया कि जैसे बाबा करते थे, लेकिन वो होता ना सबका एक पर्सनल टच रहता है, पूरा कोशिश करते हैं कि लाइक 90% वैसे, लेकिन 10% अपना टच आ जाता है। ऐसे नहीं कुछ ऐसा कर देंगे ना तो बढ़िया हो जाएगा, हाँ बढ़िया हो जाएगा वो, तो वो करते रहे। उन लोगों ने भी बहुत किया, उनने भी 1000 से भी ज्यादा करे, वो भी बिल्कुल जैसे बाबा करते थे, बिल्कुल जैसे गुरु करते थे वैसे शिष्य का डेडिकेशन का नाम सेवा करने का। लेकिन अब सभी बुजुर्ग हैं, उनके भी हाथ कांपते हैं, अब तो बोलते हैं बेटा हमसे नहीं होगा। मैं अभी रिसेंटली उनसे मिल के आया था सबसे, जब मैंने लाइक फुल टाइम सेवा स्टार्ट कर दी है, मैं उनसे मिल के आया कृपा मांगने के लिए कि आप बाबा के शिष्य हो, तो चलो गुरु जी अगर
डायरेक्ट कृपा नहीं दे सकते, आप लोग मुझे दे दो। तो उनसे भी मैंने ब्लेसिंग्स ली, सब कृपा ली, सबसे फिर सब मस्त चल रही सेवा। और जब बाबा जी का अंतकाल आ गया तो उनने सबको बोला कि लाइक मैं भी उस समय प्रेजेंट था उस समय वहाँ पे आश्रम में। बाबा ने बोला कि मैं चला जाऊँगा लेकिन ये सेवा नहीं रुकनी चाहिए, ये जैसे भी जितना हो सके उतना करना सेवा और सुंदरता से करना, और अगर कोई ख़राब तरीके से करे उसको बोलना कि ऐसे सुंदर से करो, और अगर वो चिढ़ता है तो जय श्री राधे, अगर समझ जाता तो जय श्री राधे। तो ये मोटा मोटा एक संक्षेप में कि ये था कीर्तनिया बाबा जी का लाइक उनका जीवन चरित्र जितना मुझे ज्ञात है। बाकी आश्रम वाले ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं मेरे से, जितना मेरा एसोसिएशन था जितना था मैंने बता दिया। अब सेवा में लगेंगे, दिखाएंगे कैसे ओरिजिनल सेवा होती है, बाबा कैसे करते थे। ये एक और प्रश्न है जी, जैसे आप बाहर थे, जो आपने बताया कि मैं 2 साल बाहर था, तो यह जो आप सारी बातें बता रहे हो बाबा के साथ, ये 2 साल पहले की है। बट देखा जाए कि आपने जब आप बाहर से आए थे तो आपने जस्ट स्टार्ट नहीं करा था, आपने रिसेंटली अगर मैं सही हूँ तो कुछ 6-7 महीने ज़्यादा 6-7 महीने है ना। हाँ, तो इतने ज़्यादा तो पहले क्या ऐसा कुछ था कि आप सोच रहे थे कि मेरे को स्टार्ट करना है, क्या था वो? मैं वो जाने जाना अब इसमें मैं एक और व्यक्ति का नाम लूँगा इनडायरेक्टली कि वो कैसे हुआ। जैसे महाराज जी का गोलोकवास हुआ था 2018 में जून में, तो उस समय लाइक सब लोग गए थे वहाँ पे मुक्तिधाम जमुना जी में, और पूरा वृंदावन आया था वहाँ पे, क्योंकि बाबा को लोग जाने नहीं जाने लेकिन उनको इतना मालूम था सब लोगों को कि ये व्यक्ति ने श्री राधा नाम श्री कृष्ण नाम पूरे ब्रज में लिखा हुआ है। तो बस उसी एक इस सेवा उनने इस एक सेवा में पूरा अपना जीवन नियोजित कर दिया इस एक सेवा के लिए। अब जैसे शास्त्रों में लिखा गया अगर तुम कम से कम 10 या 12 साल एक सेवा करते हो तो तुम परफेक्शन पा लेते हो उसमें। तो बाबा ने 10 साल नहीं अपना पूरा जीवन दे दिया सिर्फ एक सेवा के लिए, तो उनने परफेक्शन वो तो बियॉन्ड परफेक्शन पा लिया उनने। तो पूरा श्री जी का स्मरण चल रहा था हमेशा। फिर बाद में 2018 में जब उनका गोलोकवास हो गया, उसके बाद में फिर हमेशा मेरी इच्छा थी करने की मैं करूँ लेकिन हो नहीं पाया वो। लाइक अंदर इच्छा रहती है लेकिन एक्चुअली हो नहीं पाता है वो। फिर बाद में हमने गुरु शरण ली, और जैसी गुरु शरण ली जो अंदर इच्छा थी कि भैया मुझे भागवतम की गंभीरता से अध्ययन करना है, मुझे श्री राधा सेवा करनी है, वो तुरंत स्टार्ट हो गई तुरंत। तो ये सिर्फ हमारे गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, अपने पूरे संप्रदाय महाप्रभु की कृपा, गोस्वामी की कृपा, कि जैसे ही लाइक गुरु दीक्षा ली तभी से तुरंत स्टार्ट हो गया, तुरंत हाथ चलने लगे फिर पेंटिंग के। वरना उस समय बस डिले हो रहा था सब, हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन अब बस चालू हो गया, अब तो हाथ नहीं रुक रहा। अब तो जहाँ भी देखो श्री राधा भाई राधे श्याम मिला। अरे और भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनको मैंने कई बार बोला कि थोड़ा एक पैटर्न फॉलो करो, लेकिन अब उनकी इच्छा है जैसी राधे, जैसे बाबा ने बोला अच्छे से करें जैसी राधे, नहीं करो जैसी राधे, क्या करें। तो अब चलते आगे, तो भैया ये स्टेप 1 तो हो गया अपना ये सर्कल का, हाँ पेंसिल का, और अभी आप ये क्या कर रहे हो? स्टेप टू सबसे पहले येलो सर्कल भरे, ये लाइक दो वेस होते हैं इसके। लाइक वे 1 होता है अगर आपके बहुत समय है तो आराम से येलो सर्कल भरो, लाइट ब्लू भरो, डार्क ब्लू भरो, और फिर बाद में श्री राधा आखिरी में लिखो। अगर आप पे कम समय तो पहले से ही श्री राधा का खांचा बना देते हैं यहाँ पे, पहले येलो करते हैं फिर डार्क ब्लू करते हैं फिर बाद में श्री राधा लिखते हैं, क्योंकि उसमें स्पेस छोड़ देते हैं हम श्री राधा के लिए, और फिर बाद में लाइट ब्लू। तो जब बहुत कम समय हो और कहीं रिमोट जगह में हो ब्रज के, तो ये 25 मिनट वाला स्टेप फॉलो करता हूँ मैं कि चारों चीज़ एक ही संग भरता हूँ मैं। और अगर पूरा एक दिन का समय मेरे पे आराम से कर सकता हूँ, अगले दिन पेंट करना है तो पहले बेस लेयर्स कर देता हूँ फिर बाद में श्री राधा बनाता हूँ। तो अभी हमें जो कर रहे हैं 25 मिनट वाला है ये पूरा फुल वाला, ये फुल डे वाला है, फुल डे वाला, लेकिन धूप है अभी तो जल्दी सूख जाएगा पेंट। हाँ, बट जय श्री राधे, चाहे 25 मिनट का हो या फुल डे का हो हम आपको पूरा दिखाएंगे। वाह, ये डेडिकेशन है भैया जी का।
तो भैया ये वैसे आपको कुछ आइडिया है आप कितने श्री राधा नाम बना चुके हो? ये बिल्कुल आइडिया है, जैसे आप नाम जप करते हो, काउंट करते हो ना कितना हो गया, कितनी माला हो गई, उसमें दो चीज रहती है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसी ये नाम सेवा में भी, श्री राधा नाम सेवा में क्वालिटी बराबर है, क्वांटिटी भी देखनी पड़ती है। तो गौशाला में जैसे वहाँ पे आप अगर देखोगे जो समाधि बनी हुई है, वहाँ पे जो एक श्री राधा बना हुआ है उस तरफ, वो मार्क करता है 500 क्या बात है। और उसके बगल में 501, 502 और फिर जितने बनते आ रहे हैं प्लस 500, ये भी प्लस 500 में से है। क्या बात है, हम भी कर रहे हैं सेवा, दिखाएंगे आपको। तो भैया एक और चीज़ है, जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा है कि आप डिजिटल राधा नाम भी बनाते हो, आप वो बड़े सुंदर होते हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी है? वो देखो, हमेशा से मेरी इच्छा थी श्री राधा बनाने की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे करना है, कौन सा पेंट यूज़ करना है, कैसे यूज़ करते थे। बाबा जी को मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया था कैसे करते हैं, लेकिन कभी इसकी डिटेल से नहीं पूछी कि बाबा करते कैसे हो, क्या चीज़ यूज़ करते हो। तो वो वाली बातें बाद में बताएंगे कि मतलब कैसे डिटेल्स में होता है पेंटिंग वाला वक्त। तो शुरू में मैंने सोचा कि चलो डिजिटल ट्राई करते हैं कुछ, तो मैं ढूंढने लगा हर जगह इंटरनेट में कि कहाँ कहाँ श्री राधा के कुछ भी कुछ अवेलेबल है। फिर बाद में इलस्ट्रेटर का थोड़ा ज्ञान था हमें, हल्का फुल्का बेसिक वाला, तो उसमें फिर स्टार्ट कर दिया हमने, और वो भी बनाता गया, और फिर धीरे धीरे सिंपल श्री राधा से स्टार्ट किया, जो ओरिजिनल डिज़ाइन है। फिर धीरे धीरे उसमें बदलना चालू किया, थोड़ा मंडल उसमें लाया, फिर बाद में कलरफुल मंडल लाए, फिर बाद में टोन भी चेंज किया श्री राधा का मंडल के हिसाब से, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो। और फिर 4-5 तरीके से बनाता था, रेप्लिकेट करता था, वरना छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के मंडल बनाया और फिर सुंदर बनाया। वरना कोई ओरिजिनल आइडिया एकदम से, कोई त्यौहार चल रहा है, कोई फेस्टिवल चल रहा है या कोई पर्व चल रहा है, उसके हिसाब से अच्छा गोपाष्टमी चल रहा है तो कुछ थोड़ा गौ माता से रिलेटेड कुछ मंडल बनाओ, दिवाली चल रही है दिवाली से रिलेटेड, दिया से रिलेटेड, ऐसे करके बनाया। और फिर बाद में काफ़ी लोग मैसेज करने लगे मुझे, यार प्रभु जी आपके डिज़ाइंस बड़े अच्छे हैं, आप इनको सेल क्यों नहीं करते हो, लाइक फ्रिज मैग्नेट बनाओ, स्टिकर्स बनाओ, टी शर्ट्स बनाओ। मैं बोला भैया राधे राधे, श्री राधा नाम बेच के हमें कर्म ना लेना भैया, खतरनाक वालों। तो हमने सिंपल क्या किया, फ्री टू यूज़, फ्री टू जो करना है चूल्हे में जाओ भैया, हमने बना के डाल दिया सेवा के रूप में, अब आपको जो सेवा करनी है, प्रॉफिट करनी है, वो आपके ऊपर है, जो करना करो आप। और फिर मैंने अपने सारे डिज़ाइंस गूगल ड्राइव में डाले, और फिर जितने भी थे गूगल ड्राइव में डाले, ठीक है भैया आवाज़ करने को, वृंदावन धाम है भैया, कुछ भी चलता रहे यहाँ पे। तो मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में गूगल ड्राइव में डाल दिया वो, और उसकी लिंक मेरे बायो में अवेलेबल है, अगर किसी को याद करना है, अगर शॉर्ट फॉर्म में bit.ly/shriradhadesigns, वो तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अरे बिल्कुल सब लोग यूज करो उसे। अब देखो तमाम वेबसाइट है HD फॉर्मेट में अवेलेबल है वहाँ पे, तुम अपने फ़ोन कवर बना लो, तुम टी शर्ट बना लो, तुम फ्रिज मैग्नेट बना लो, पोस्टर बना लो, जो बनाना बना लो, फ्रीली अवेलेबल है वहाँ पे आपकी सेवा के लिए। सबके श्री जी तो प्रसन्न है, उनका नाम है ठाकुर जी, बड़े प्रसन्न है, श्री जी का नाम का प्रचार हो रहा है, और भक्त लोग देखते हैं अरे इतना सुंदर है, हमें इसका कुछ करना है। अब जैसे मेरे फ़ोन में, इस नए वाले में नहीं है लेकिन पुराने वाले में श्री राधा कवर रहता है, सब देखे प्रभु जी हमें भी चाहिए, मैंने लिंक दे दिया, ये है कर लो आप भैया, ठाकुर जी की जय कृपा। तो सब लोग ये लाइक बहुत हैवी तत्व है कि मतलब नाम से लाइक पैसा नहीं कमाना चाहिए। देखो हम इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, दूसरे राधे राधे, जैसी उनकी देखो व्यक्ति विशेष उनकी परिस्थिति अलग होती है, तो उनके हिसाब से मैं उनके कमेंट नहीं करूँगा, अगर उनको कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो भैया करें वो, लेकिन हमें भैया ठाकुर जी ने सब दिया है तो हम खुश हैं ऐसी बस दान कर करके राधा नाम का। और कोई प्रश्न भैया जी? बस वो बढ़ते आगे अपने, हाँ बढ़ते हैं, जय हो। स्टेप कितना, 1 2 3 स्टेप 3। तो ये वो स्टेंसिल है जो यहाँ पे श्री राधा नाम अक्षर होगा,
लीजिए भैया जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? अरे बिल्कुल, देखो ये बिल्कुल वही फॉन्ट है जो बाबा यूज करते थे। अच्छा, ये वही फॉन्ट है। तो इसमें अब इस वीडियो के माध्यम से, अर्जुन भैया की कृपा से, अब इसमें एक चीज और हो जाएगी। मेरे को बहुत सारे डीएम आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी आप कैसे बनाते हो, क्या कलर यूज करते हो, या कोई स्टेंसिल यूज करते हो, कैसे होता है प्लीज हमें बताओ। अब मैं हर 100 लोगों को 100 बार नहीं बता सकता हूँ, तो अपने भैया जी के वीडियो के माध्यम से ये एक ही बार में बता रहा हूँ मैं सबको। तो देखो ये जो शीट मैं यूज कर रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी शीट है, इसको कहते हैं माइलर शीट। लाइक ये थोड़ा मोटी रहती है, लाइक मोटी प्लास्टिक की शीट रहती है। मैं दो मेन प्लास्टिक की शीट यूज़ करता हूँ। एक OHP शीट होती है, जैसे OHP प्रोजेक्टर होते हैं, तो उसमें पतली सी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट होती है, वो मैं यूज़ करता हूँ जब स्टैंप वाले मुझे बनाने हो, लाइक खांचे या फिर स्टेंसिल। और जब श्री राधा का बनाना है, क्योंकि इसमें मजबूती चाहिए मुझे, ताकि एक बार जैसे मैं होल्ड करूँ, अगर यहाँ पर मैंने उंगली रखी और मैं मार्किंग बनाते आ रहा हूँ, आउटलाइन बनाते आ रहा हूँ, तो मूव नहीं करे, तो ये जितनी मोटी प्लास्टिक रहती है उतना अच्छा रहता है, और फ्लेक्सिबल भी है, तो जैसा भी सरफेस है, पेड़ है, वॉल है, फ्लैट, सब में आ जाएगा। तो ये माइलर शीट रहती है, आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, अमेजोन में मिल जाता है, फ्लिपकार्ट में, हर जगह मिल जाएगा ऑनलाइन, वरना अगर बड़ा सा कोई स्टेशनरी शॉप है वहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस क्या रहता है, श्री राधा फॉन्ट मैंने वही गूगल ड्राइव की लिंक में डाल के रखे हैं, एक अलग से फोल्डर भी डाल दूंगा स्टेंसिल नाम से फोल्डर, तो जितने स्टेंसिल मैं यूज़ करता हूँ सारे उसमें डाल दूंगा। A4 शीट में प्रिंट किया इसको, लाइक लैंडस्केप मोड में प्रिंट किया, और फिर इस शीट के पीछे ग्लू करके चिपका दिया। और फिर बाद में एक आता है प्रिसीजन नाइफ आता है, या तो कैंची से कर लो या फिर प्रिसीजन नाइफ। और ये सारा खर्चा अगर किसी को लॉन्ग टर्म सेवा करना है तो मात्र 100 रुपये का खर्चा है, बस उससे भी कम का बस। तो शीट से मतलब काट लिया इसको चाकू से, वो प्रिसीजन नाइफ से काट लिया, और जब ऐसा कट के निकल के आ जाएगा फिर बाद में आप कहीं भी इसको यूज़ करो। तो दो टाइप के हैं मेरे पे ये, अभी दूसरा वाला है नहीं दिखाने के लिए, वो मैं फ़ोटो भेज दूंगा भैया जी को, वो दिखा देंगे। तो एक है ये इनसाइड आउट है, कि यहाँ पर हम बाहर से आउटलाइन बनाते हैं और फिर बाद में अंदर पेंट कर देते हैं। एक होता है इनसाइड आउट, वो यहाँ पे पूरे में रहता है शीट, और जहाँ जहाँ श्री राधा लिखा रहता है वो गायब रहता है, तो वो सबसे अच्छा होता है। जैसे मुझे मान लो मैं केदारनाथ में हूँ, बहुत रिमोट जगह में बिल्कुल, तो वहाँ पे बस ऐसे रखा और मैंने अपना फोम का स्टैंप लिया, फट 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 उसमें लगा दिया, तो जैसे ही निकालूंगा तो श्री राधा पूरा स्टैंप होके आ जाएगा वहाँ पे। तो उसमें फिर ब्रश में जैसे बहुत समय लगता है स्ट्रोक लगाने में, और बहुत प्रिसीजन से करना पड़ता है, तो ये बस स्टैंप मार के खत्म कहानी। और अगर स्प्रे पेंट है तो और भी अच्छा, बस रखा स्प्रे पेंट से खत्म श्री राधा। तो अभी हम इसको बनाएंगे, इसको ये आपके बॉल पेन में देख रहा हूँ। हाँ, तो बहुत यूज कर सकते हैं बॉल पॉइंट पेंट, लाए या तो स्मूथ पेंसिल कोई 2B ऐसे करके मोटी वाली पेंसिल, जो बहुत स्मूथ उसकी ग्रेफाइट हो, वरना परमानेंट मार्कर यूज कर सकते हो। और फिर पेंट का तत्व बहुत जरूरी, लोग बोलते हैं प्रभु जी पेंट कौन सा यूज करते हैं? देखो दो टाइप के पेंट है, मेन यूज करता हूँ और तीसरा जो बाबा यूज करते थे मेन, लेकिन वो बहुत मुश्किल है अभी इम्प्लीमेंट करना, तो उसको मैं फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करूंगा। तो पहला टाइप का पेंट है एक्रेलिक पेंट, कोई भी एक्रेलिक पेंट यूज कर सकते हो। एक होता है कंसिस्टेंसी रहती है एक्रेलिक पेंट की, तो अगर आपको पेंट अच्छे से करना है तो अच्छा रहेगा आप एक ही बार में बड़ा डब्बा ले लो आधे आधे लीटर का, और उसको फिर रिफिल कर करके बस पेंट करते रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। छोटा वाला क्या होता है, बहुत गाढ़ा होता है, जल्दी सूख जाता है, और बड़ा वाला लिक्विड ज़्यादा होता है तो आराम से सूखता है वो, और मतलब सफिशिएंट टाइम में सूखता है। एक हो गया एक्रेलिक पेंट, और फिर दूसरा हो गया आपका ऑयल पेंट, एनामल पेंट, जो आप लोग घर में देखते हो लोहे में लगा रहता है या लकड़ी में लगा रहता है, चिकना सा पेंट, शाइनी वाला पेंट, वो हो सकता है। लेकिन उसमें परेशानी ये रहती है कि बड़ा गंदा मारता है, तारपीन तेल का यूज़ करना पड़ता है, हाथ हाथ धोने के लिए ब्रश टाइट हो जाते हैं। इसमें क्या, बस पानी से धोया ख़त्म कहानी, अब बस एक बार वार्निश का कोट लगा दिया, तो जब तक दीवार नहीं जाएगी तब तक पेंट नहीं आएगा। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तो ये यहाँ पे रखा, आपने इसका एंगल देखा कि बिल्कुल सीधा है और बिल्कुल बीच में है, ऊपर थोड़ा किया बिल्कुल बीच में लग रहा है, और जैसे ही बीच में आ जाए ये, फिर आप आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर दो इसकी, और जितना हो सके उतना लाइट स्ट्रोक यूज़ करना है इसमें, क्योंकि एक्रेलिक पेंट है पपड़ी की तरह निकल के आता है, क्योंकि अभी शुरू में पेंट किया, एक बार जब इसे धूप लगे अच्छे से फिर कुछ नहीं होगा इस पेंट का, फिर तो बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, बादल फट जाए, पेंट नहीं उतरेगा कभी यहाँ से।
तो हम आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सेवा आप भी कर पाओ। क्यों भैया? जी सब लोग इतना प्रश्न पूछते थे भैया कैसे होती सेवा। मैं तो भैया बस माध्यम हूँ, सेवा कोई भी कर रहा हो कैसे भी कर रहा हो, लेकिन लोगों को मालूम नहीं रहता है कि कैसे कर रहे हैं सेवा। तो ये पूरा 1 2 3 4 5 स्टेप अच्छे से इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आपके अंदर इच्छा है बहुत कि भैया हमें वृंदावन में इतना श्री राधा सेवा देख के बड़ा प्रसन्नता होती है, हमें भी करना भैया अपने एरिया में, अपने मंदिर के पास में, गौशाला के पास में, पार्क के पास में, पेड़ पे, दीवार पे, पिलर पे, गेट पे, कहीं भी। तो अब आपको मालूम है कैसे करना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप कैसे, कौन से कलर यूज़ करना है, कैसे स्टेंसिल, कहाँ पे स्टेंसिल मिलेंगे अगर आपका लाइक यू नो आर्टिस्टिक हैंड नहीं है, अगर आप एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते फ्री हैंड में, स्टेंसिल कहाँ से मिलेगा, पेंट किस टाइप के, कलर कॉम्बिनेशन कौन से यूज़ करने हैं, अब आपको सब डिटेल में मालूम चल गया कैसे करना है। तो अर्जुन भैया की वीडियो अच्छे से देखना और सबको शेयर भी करना कि भैया श्री राधा नाम सेवा कैसे करते हैं, अभी तक किसी ने डाली नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है कैसे करते हैं, बस ये देखा कि भैया हो रही है सेवा या फिर हो चुकी है सेवा, लेकिन कैसे करना है सेवा हो रही, बताते हुए सेवा हो रही है वो अपना फोटो खींचते हैं, भैया को टैग करते हैं, चल पड़ते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही, पीछे क्या होता है क्या नहीं होता। और फिर अभी अभी हाल ही में एक कोई इवेंट हुआ था ऐसा कि कुछ लोग आए सेवा करी और डांट खा के चले गए किसी से वो। अच्छा अब जैसे आपको ये भी समझना पड़ेगा, देखिए आप सेवा कर रहे हैं, हर कोई नहीं समझता है महत्व सेवा का, नाम का। तो अगर आप कहीं किसी की प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो आप उससे परमिशन लें कि भैया हमें ये ठाकुर जी का नाम है, श्री जी का नाम है, हमें यहाँ पे सेवा करनी है, सुंदर आर्ट वर्क करना है हमें, तो आप हमें परमिशन दोगे नहीं दोगे? तो आप उनसे परमिशन लो, अगर दे दिया तो भैया राधे राधे, नहीं दिया तो भैया और भी हज़ारों घर हैं वहाँ पे, हज़ारों पेड़ हैं, हज़ारों लाइक दीवारें हैं, कहीं भी जा सकते हो आप। तो एक तो पॉइंट हो गया परमिशन हमेशा लेना आपको, ठीक है, और सुंदरता से सेवा करना है, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अब एक पॉइंट होता है जब सेवा करते हैं तो क्योंकि एक आध बार मुझे कुछ टिप्पणी मिली, कोई मैं नाम नहीं लूँगा उन व्यक्ति विशेष का, कि आप सेवा कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब देखो मैं जैसे मैंने पहले कहा मैं माध्यम हूँ बस, अगर मैं नहीं तो कोई और सेवा कर रहा होगा, और सेवा कौन कर रहा होगा, जो कीर्तन या बाबा ने बोला जिस स्टैंडर्ड से सेवा करना है वो उनके शिष्य लोग कर रहे हैं वो सेवा, अब वो बुजुर्ग हैं तो नहीं कर रहे हैं, तो उनके शिष्य के शिष्य कुछ कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली सेम स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो नए लोग आते हैं उनको बहुत मन होता है करने का लेकिन उनको स्टैंडर्ड नहीं मालूम है। अगर बिल्कुल सरलता से प्रेम से आप उनको समझाओ तो वो समझ जाते हैं, वरना कुछ थोड़ा ढीठ टाइप के होते हैं व्यक्ति व्यक्ति विशेष, उनका नाम नहीं लेंगे। तो घटना ये हुई, उनने पेंट कर दिया, अलग तरीके से कर दिया, मैंने उनको बोला कि ये कीर्तनीय बाबा की ओरिजिनल सेवा है, उनने ये प्रारंभ करी थी, तो जैसा उनने यू नो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वैसे आप फॉलो करें। और इसको किस तरीके से समझा जा सकता है, एक सिंपल एग्जांपल, जैसे लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, भक्ति विधान स्वामी जी महाराज जी ने इतना बड़ा संस्था बनाई, इस्कॉन बनाई, एक पूरा परिवार इंक्लूड किया उसमें, तो उनने वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन बना के रखे स्टैंडर्ड कि भैया आपको 4 नियमों का पालन करना है, हैं आपको 16 माला जप करना है, भागवत गीता का, भागवतम जी का रोज उनका अध्ययन करना है, ठीक है। अब आप प्रभुपाद जी से बड़े तो हैं नहीं, हैं आपको ऐसे रहना है, ऐसे करना है, मंदिर में आप हो तो ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, नाम अपराध नहीं करना, धाम अपराध नहीं करना, सेवा अपराध नहीं करना, तो आप रूपा जी से बड़े तो है नहीं, जो उनने रूल्स रेगुलेशन बनाया वो आपको फॉलो करना पड़ेंगे एज इट इज। अब ऐसे कीर्तनीय बाबा ने सेवा स्टार्ट करी, उनने रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड बना के रखे, तो आपका ये एक हृदय से उनको सरेंडर करके या उनको रिस्पेक्ट करते हुए ये आपका फर्ज बनता है कि भैया आप भी वही स्टैंडर्ड फॉलो करो। आप नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्टली एक तरह से वैष्णव अपराध कर रहे हो उनके प्रति, कि आप कल को प्रभुपाद जी ने कुछ बोला आप बोला अरे हम तो कुछ भी कर लेंगे, प्रभुपाद जी फॉलो नहीं कर रहे तो वैष्णव अपराध हुआ ना ये, कि वो इतने आचार्य हैं उनने रूल्स रेगुलेशन बना के गए, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को कुछ 30 मार खां समझ रहे हैं, वैसे इस सेवा में भी है। तो मेरी बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, मेरा बस बिल्कुल हम्बली लाइक चरण स्पर्श सबका दंडवत प्रणाम है, भैया जो कीर्तनीय बाबा बोल के गए करके गए वैसे ही आप करो, तो वो भी प्रसन्न होंगे, श्री जी भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप एक आचार्य को फॉलो कर रहे हैं, यही हमारा गौड़िया सिद्धांत है भैया, अपने आचार्य को फॉलो करो एवं परम परा ब्रह्म। तो चलते हैं फिर, जय श्री राधे।
तो यहाँ हमारा हो चुका है श्री राधा कंप्लीट, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाई है। तो भैया क्या कहना चाहोगे इसके बीच? अब लाइक मेन जो नॉर्मल पैटर्न रहता है फूल का रहता है कि लाइक तीन फूल ऊपर, तीन बगल में, तीन नीचे, तीन लेफ्ट राइट ऐसे करके। लेकिन फिर एक सिंपल वाला होता है कि सिर्फ चार फूल बना दिए। अब क्रिएटिविटी है, लाइक ओरिजिनल कलर्स रख सकते हैं, जैसे ये कलर कॉम्बिनेशन है बाबा के द्वारा ही बनाया गया ये, और फूल का भी कॉम्बिनेशन। तो जिसकी जितनी क्रिएटिविटी होती है थोड़ा और फूल पत्ती लगा दो, क्योंकि भाई ठाकुर जी श्री जी को पुण्य बहुत पसंद है, पुण्य निकुंज में विहार करना। तो जितना फूल पत्ती रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये अब ख़त्म होता है। अब बाकी सबको अगर समझ में नहीं आया वीडियो तो बार बार देखना, 1 2 3 5 वाले स्टेप सारे अच्छे से देखना, और जहाँ हो सके उतना अच्छा बनाना। और ये ध्यान रखना जहाँ भी बनाए वहाँ पे लोग समझें कि भैया भगवान का नाम लिखा हुआ है, तो रिस्पेक्ट करें, कोई मूते माते ना आसपास, या पी किक ना करें, या मतलब होता है ना कि स्वच्छता रखें जहाँ पे भी नाम लिखा हुआ है। तो ऐसी जगह बनाना ध्यान रखते हुए कि वहाँ पे कुछ निरादर ना हो नाम का, सेवा का वहाँ पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को पता चले कि ये बन क्या रहा है, ये बना क्या है ये। राधे 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 राधे, जय हो। देख रहे हो कैसे मेरे कपड़े चेंज हो गए और पूरी लोकेशन चेंज हो गई। तो हमने जो वीडियो ये कल रिकॉर्ड करा था और हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे, क्योंकि हम आपको इस स्टोरी के बारे में ए टू जेड बताना चाहते थे। तो हमें कहा कोई नहीं, अगले दिन शूट करेंगे राधे श्याम भैया के साथ। राधे राधे। तो भैया वो कौन से पॉइंट्स थे जो हमारे रह गए थे बहुत ज़रूरी? पॉइंट्स हमेशा बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स है जो बहुत ज़रूरी है सबको बताना। देखो पहला कि सब सोचते हैं कि भैया सेवा चल रही है तो मैं अकेला ही कर रहा हूँ। नहीं भैया, हमारे अकेले की बस की बात नहीं है, हमेशा छोटे बच्चे, बच्चियाँ, बड़े लोग, इवन बुजुर्ग माता जी, प्रभु जी भी कभी कभार आते रहते हैं। जैसे हमेशा मैं अकेला ही करता हूँ, लेकिन जब भी कोई आ जाता है वृंदावन धाम में, वो बोलते हैं कि प्रभु जी हमें भी करना है मात, तो मतलब चलो भैया आ जाओ कर लेते हैं। एक से दो अच्छे, दो से चार अच्छे, जितने ज़्यादा होते हैं उतनी जल्दी सेवा हो जाती है, और भी मतलब क्वांटिटी वाइज और भी ज़्यादा हो जाती सेवा। और सब पूछ लेते हैं कैसे करना, मैं बता देता हूँ ऑन द स्पॉट कैसे करना है, तो क्वालिटी सर्विस भी हो जाती है, क्वांटिटी वाइज भी हो जाती है सर्विस। और दूसरा पॉइंट ये है कि अब देखो जैसे हम राधा नाम सेवा कर रहे हैं, तो श्री राधा जैसे बोलते हैं ना, नाम नामी में कोई अंतर नहीं है। तो नाम माने उनका नाम, और नामी मीन्स जो साक्षात श्रीमती राधा रानी, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जहाँ भी कहीं भी हम ये नाम सेवा कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें कि जो जो व्यक्ति कर रहा है वो अच्छे से राधा जी का नाम और राधा श्रीमती राधा रानी जी के बारे में अच्छे से जानता हो। और अगर नाम तुमने यहाँ पे जैसे दीवार पे छाप दिया तो ये भैया जगह पवित्र हो गई। अब जैसे नाम करते मंदिर होता है, भगवान जी स्थापना करते हैं वहाँ पे, तो मंदिर पवित्र रहना चाहिए हमेशा। ऐसी भगवान में कोई डिफरेंस नहीं, नाम में डिफरेंस नहीं, तो जैसे नाम आपने स्थापित कर दिया एक जगह में तो वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। तो उसको साफ सफाई रहनी चाहिए वहाँ पे, कोई गंदगी नहीं करे, जैसे पहले बताया था कि कोई पी पी ना करे या कोई लघु शंका वगैरह, तो साफ सफाई रहनी चाहिए वहाँ पे। और कौन सा पॉइंट है, कोई याद आ रहा है भैया आपको? बस ये हम ऑलमोस्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, बस ये चीज़ें बोलनी थी जो बतानी थी कि और भी कैसे लोग सेवा में आते हैं। और भैया को बहुत डीएम्स आते हैं कि हमें, क्योंकि मैंने खुद कराया कि थोड़ी डीएम कि भैया सेवा मेरे को करनी है, इनको भी ऐसी सेवा है। बट अगर आप यहाँ इंडिया में नहीं रहते, आप इंडिया से बाहर रहते हो, अगर सेवा नहीं कर पाते, तो हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। कैसे हमने सारा आपको स्टेप्स बताए इस वीडियो में, आप कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो, कौन से स्टेंसिल यूज़ करते हो, आपको लिंक सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो फिर ठीक है भैया, राधे, बस यही है फिर मेन चीज़, बिल्कुल राधे साहब।